ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ 28 ତାରିଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ 28 ତାରିଖରେ ଆସିଲୁନି, 4 ତାରିଖରେ ଆସିଲୁ, 5 ତାରିଖରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ 6 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ସାର୍ ବି ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ବି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହେଇକି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ହେଇଛି। କାଫେ ତରଫରୁ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଆମର ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆମକୁ ଇଏ କରି ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଛେନାପୋଡ଼, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ ବହୁତ ଯାଉଛି, ଚିକେନ କଷା ବି, ତାପରେ ପୁରୀ, ଆଳୁଚପ, ବେଡ଼ଚପ, ଅଣ୍ଡା ଚପ, ତାପରେ କାକେରା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ହଁ ହେଉଛି, ଏଠାକାର ବି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସହିତ ବି ଦିନ ସାରା ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ କୋଡ଼ିନେଟର, ସିଏ ବି 3 ଦିନ ରହିଲେ ଆମ ସହିତ, ତାପରେ ଗଲେ ହେରି ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବୋଲି, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି 28 ତାରିଖରୁ ଆସିବାର ଥିଲା, 28 ତାରିଖରୁ ଆସିପାରିଲୁନୁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ 4ରେ ବସିଲୁ, 5ରେ ଓହ୍ଲେଇ 6ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଚିକେନ କଷା, ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, କାକେରା, ଆଳୁଚପ, ବେଡ଼ଚପ। ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଛେନାପୋଡ଼, ଚିକେନ କଷା। ହଁ ବେପାର ଆମ ଇଏକୁ ଚାହିଁ ବେପାର ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଛି ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଉପରେ। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆମର କୋଡ଼ିନେଟର ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ହୋଟେଲ ମିଳିଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। देखिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो खाना कई बार हमें बाहर का खाना पड़ जाता है क्योंकि हम लोग ऑफिस में और वैसे हैं, तो यहाँ का एक ही ब्लेंड ऑफ टेस्ट मिलता है। लेकिन इस फूड फेस्टिवल में आके हमें देश के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे राजस्थान के भी लोग आए हैं तो वो प्रॉपर जयपुर या जोधपुर से आए हुए हैं, तो वहाँ का टेस्ट हमें दिल्ली में ऐसे मिल नहीं पाता जनरली, पर इस फूड फेस्टिवल के माध्यम से हमें वहाँ का खाना खाने को मिल रहा है। और वो लोग बता भी रहे हैं कि ये फला डिश है, ये ऐसे बनती है, इस तरह से प्रिपेयर होती है, जो अपने आप में नया एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल स्टॉल में खाना खाया हुआ है और हर स्टॉल का खाना डिफरेंट है, और वेज का भी ऑप्शन है, नॉन वेज भी है, स्वीट और ऐसे स्नैक्स वगैरह का भी ऑप्शन है, और सबका टेस्ट टोटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी आर, जो कि हम डे टू डे लाइफ यहाँ दिल्ली में खाते हैं, ये बात पर तो मैं श्योर हूँ। बिल्कुल, ये एक नया एक्सपीरियंस है कि आपको दिल्ली में बैठे बैठे आपको सारे स्टेट बिना विजिट किए हुए उनके वहाँ का खाने का आनंद मिल रहा है। और ना जनरली आप इतने सारे स्टेट में आप जाओगे, खाना खाओगे, काफ़ी आपका वो टाइम और मनी कॉस्ट होगा, आपको यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है यहाँ पे वो सारा टेस्ट। साल में एक बार नहीं, दो तीन बार। बिल्कुल, एक विंटर में और समर में इस तरह से इनका होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तो जो परंपरा रहती है कि सर्दियों का खाना एक अलग तरह का बनता है, गर्मियों का खाना अलग तरह का बनता है, तो मेरे ख्याल से दिसंबर में होता ही है, एक इसका समर वाला भी होना चाहिए जो गर्मी की छुट्टी के टाइम होता है। जितने भी 30 स्टेट्स हैं उनका खाना एक ही जगह पे आपको मिल रहा है, एंड स्पेशली फॉर फूड लवर्स, उनको कहीं दूसरी स्टेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे बहुत अच्छी वाइब्स है। दिल्ली में जो रह रहे हैं या दिल्ली के मतलब साइड में भी जो रह रहा है उसको ज़रूर आना चाहिए और यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहिए। हाँ, जम्मू, उत्तर प्रदेश और स्पेशली मेरा फेवरेट कश्मीर, तो स्पेशली नॉन वेज आइटम्स, गोश्ताबा तो नहीं है यहाँ पे, वाजवान की आइटम्स सारी, शामी कबाब्स वगैरह सब अच्छे हैं। हाँ, साल में एक बार होता है ये, और इस फेस्टिवल में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत फैमिलियर, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। इवन जो स्टॉल्स के भी जो लोग हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स को, वो बहुत अच्छा खाना है उनका, बहुत टेस्टी। फूड फेस्टिवल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और कनॉट प्लेस में यह दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है, और इस फूड फेस्टिवल में 21 राज्य से 30 स्टॉल लगे हुए हैं फूड के, और अभी तक जो है आप देख सकते हैं हर दिन कम से कम 50-60 हज़ार लोग यहां विज़िट कर रहे हैं, और 2 करोड़ का सेल हो चुका है, 2.03 करोड़ जो है सेल अभी तक कल तक का हो चुका है, और अगले 3 दिन में हम लोग और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी विजिटर्स आएंगे यहां पर। लास्ट के यह 1 दिसंबर से चल रहा है,
और 17 दिसंबर तक ये चलेगा। झारखंड जोहार जोहार जोहार। हम झारखंड से, मेरा नाम रेखा देवी, हम रांची डिस्ट्रिक्ट से हैं और सिल्ली ब्लॉक से आए हैं। यहाँ हम लोग, यहाँ से हम लोग 1 तारीख से स्टॉल शुरू किए हैं, आज 15 दिन हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किए। सबसे ज़्यादा धुसका का सेलिंग किए हैं, धुसका है आलू चना सब्जी, धुसका माने चना आलू सब्जी चटनी के साथ सबसे ज़्यादा डिमांड रही है। इसी में एक ही चीज़ में हम लोग ज़्यादा कर लिए हैं। ये फर्स्ट बार, इतना बार जहाँ जहाँ गए हैं कहीं इतना हम लोग को एक दिन में इनकम नहीं करने सके हैं जो किए। हाँ, पहली बार दिल्ली में है लेकिन बहुत अच्छा, हम लोग के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ के लिए बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है। और दीदी लोग बहुत आगे चल गए हैं, हम लोग थोड़ा सा अभी भी पीछे ही है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।